झारखंड के राजनीतिक गलियारों में बंगाल की चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि राजद बड़ी सेकुलर पार्टी है। साथ ही राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में एकजुट होकर डबल इंजन की सरकार को डिरेल किया है। वहीं बिहार में भी हमने एकजुट होकर लड़ा, किंतु चोर दरवाजे से एनडीए वहां सत्ता पर आई। साथ ही उन्होंने राजद का स्टैंड बताया कि भारत में कहीं भी चुनाव होगा तो बीजेपी को हराने के लिए राजद एकजुटता के साथ खड़ी रहेगी। आरजेडी का जो प्लानिंग है कि आरजेडी का माने देश का सबसे बड़ा सेकुलर नेता माननीय श्री लालू प्रसाद जी का सोच है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी है उसके खिलाफ खड़ा रहेंगे, जिसका परिणाम आपने देखा कि झारखंड में हम लोगों को कम सीट मिलने के बावजूद हमारे नेता माननीय लालू यादव जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, सब लोगों ने लक्ष्य रखा कि पहले यहाँ डबल इंजन की सरकार को समाप्त किया जाए। और उसी के तहत महागठबंधन बनी और हमने झारखंड से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का